हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ भावना माथुर, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम GWPC अजमेर। मैं आज आपको 555 टाइमर की एप्लीकेशन बताऊंगी कि 555 टाइमर पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर की तरह कैसे वर्क करता है। इसे शॉर्ट में कहते हैं PWM, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। तो इसका हम सर्किट डायग्राम देखेंगे और डिफरेंट पॉइंट पर वेवफॉर्म देखेंगे कि ये किस तरीके से वर्क करता है। टाइमर्स आर दो सर्किट विच प्रोवाइड पीरियोडिक सिग्नल टू ए डिजिटल सिस्टम विच चेंजेस द स्टेट ऑफ द सिस्टम। मतलब अब जैसे अपन पढ़ रहे हैं 555 टाइमर की, हमने डिफरेंट एप्लीकेशन देखी, तो अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि टाइमर्स होते क्या हैं। टाइमर्स वो सर्किट होते हैं जो पीरियोडिक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, किसी भी डिजिटल सिस्टम में पीरियोडिक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। पीरियोडिक सिग्नल क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते हैं, वो सिग्नल पीरियोडिक सिग्नल कहलाते हैं। तो टाइमर की सबसे पहली एप्लीकेशन यही होती है कि किसी भी डिजिटल सिस्टम में पीरियोडिक सिग्नल को प्रोवाइड करना। ये डिजिटल सिस्टम की स्टेट चेंज करने के काम आते हैं, यानी हाई को लो या लो को हाई करने के लिए ये टाइमर सर्किट काम में लेते हैं। द PWM इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस PDM, पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन, एज द विड्थ और द ड्यूरेशन ऑफ द पल्स इज वेरिंग। द लीडिंग एज ऑफ द पल्स इज फिक्स वेयर एज द ट्रेलिंग एज इज मूवेबल। मीन्स PWM क्या होता है? नाम से क्लियर है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। यानी यहाँ पे पल्सेस की विड्थ को चेंज किया जाता है, विड्थ को मॉड्यूलेट किया जाता है। पल्सेस का एम्पलीट्यूड सेम रहता है, पोजिशन सेम रहती है, बस उसकी विड्थ चेंज होती है। इसे इसका दूसरा नाम PDM भी है, क्योंकि आप देखोगे पल्स की विड्थ चेंज हो रही है, मीन्स पल्सेस का ड्यूरेशन चेंज हो रहा है, इसलिए अपन इसको PDM भी बोलते हैं। PDM के फुल फॉर्म में पल्स ड्यूरेशन मॉड्यूलेशन। अब जो पल्सेस हमें आउटपुट में मिली उनकी लीडिंग एज को तो हम फिक्स करते हैं, विड्थ चेंज करनी है, तो जो ट्रेलिंग एज है, ट्रेलिंग एज मतलब जब ये हाई टू लो हो रहा है, और लीडिंग एज का मतलब होता है जब ये लो टू हाई होता है। तो जब पल्सेस लो टू हाई होती है उसे लीडिंग एज बोलते हैं, जब हाई टू लो होती है उसे ट्रेलिंग एज बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, PWM में लीडिंग एज को तो फिक्स कर देते हैं और जो ट्रेलिंग एज है उसको हम मूव करते हैं। अगर विड्थ, मतलब ये किस पर डिपेंड करेगी पल्सेस की विड्थ? ऑन द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या हमारा मैसेज सिग्नल है उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग पल्स की विड्थ वेरी की जाती है PWM में। तो ट्रेलिंग एज कितना मूव करेगी ये हमारे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के तात्क्षणिक मान पर निर्भर करता है। PWM इज़ वन ऑफ द मॉड्यूलेशन टेक्निक इन विच द विड्थ ऑफ कैरियर वेव वेरीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल। जो मैं अभी आपको PWM की डेफिनेशन बता रही थी कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होता क्या है, तो ये एक प्रकार की मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसमें कैरियर वेव की विड्थ को बदला जाता है मैसेज सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार। किसी भी तरह का हमने मॉड्यूलेशन पढ़ा हो, चाहे एनालॉग मॉड्यूलेशन या डिजिटल मॉड्यूलेशन, सब में मॉड्यूलेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या थी? कि किसी भी हाई फ्रिक्वेंसी की वेव की किसी कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर मैसेज सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित किया जाता है तो ये मॉड्यूलेशन कहलाता है। अगर जैसे हम बात करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा? मैसेज सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को बदला जाता है, तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, तो हम क्या बोलेंगे कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वो मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसमें कैरियर वेव की विड्थ को मैसेज सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि PWM होता क्या है और टाइमर सर्किट का क्या पर्पज़ है, क्यों टाइमर सर्किट यूज़ लेते हैं। इन दिस टेक्निक द पल्स इज यूज एज कैरियर सिग्नल एंड द मैसेज सिग्नल कैन बी एनी एनालॉग सिग्नल। ये तो अभी हमने देखा ही है, जो कैरियर सिग्नल है उसको तो हम पल्स बोल देते हैं, यानी कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल, और मैसेज सिग्नल जो है वो कोई भी एनालॉग सिग्नल हो सकता है। हैंस एज द विड्थ इज चेंजिंग इट कैन बी यूज टू कंट्रोल द पावर गिवन टू द डिवाइस। अब चूंकि यहाँ पे क्या होता है, पल्सेस की विड्थ को चेंज किया जाता है, इसलिए ये क्या करता है, किसी भी डिवाइस को की पावर को कंट्रोल करने में PWM सर्किट को काम में लेते हैं। अब जो हमने मैसेज सिग्नल लगाया वो क्या है, मैसेज सिग्नल एक साइन वेव है,
तो साइन वेव ऑफ 200 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी एस मैसेज सिग्नल इनपुट एंड प्रोड्यूसेस ए पीडब्ल्यूएम आउटपुट। यानी इनपुट में हम क्या देते हैं, साइन वेव देते हैं जो कि हमारा मैसेज सिग्नल होता है जिसकी फ्रिक्वेंसी सपोज करें 200 हर्ट्ज है। तो ये मैसेज सिग्नल देने से आउटपुट कैसा मिलता है, पीडब्ल्यूएम आउटपुट मिलता है। पीडब्ल्यूएम सर्किट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ एमएमवी। देखो 555 टाइमर में तीन बेसिक सर्किट होते हैं, मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर और बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। इन तीनों ही जो मल्टीवाइब्रेटर्स हैं इनके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। जैसे पीडब्ल्यूएम पढ़ रहे हैं अपन, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पीपीएम पढ़ा, तो ये सब एमएमवी, एएमवी या बीएमवी की एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ जो पीडब्ल्यूएम सर्किट बना है इसको किसको यूज़ लेके करा है, हमने काम में लिया है मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की हम वर्किंग डिटेल में देख चुके हैं। तो पीडब्ल्यूएम एक एप्लीकेशन है एमएमवी की। इन दिस सर्किट वी गेव द साइन वेव एज द कंट्रोल सिग्नल ऑफ द 555 टाइमर। यानी 555 टाइमर आईसी के कंट्रोल टर्मिनल, कौन सा होता है इसका कंट्रोल टर्मिनल, फिफ्थ नंबर पिन पे हम कंट्रोल सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पे जो साइन वेव है वो किस पे देंगे हम, कंट्रोल सिग्नल की तरह काम करेगी 555 टाइमर की। द कैरियर पल्स सिग्नल इज़ यूज टू ट्रिगर द आउटपुट ऑफ 555 टाइमर। हम टाइमर आईसी 555 के बारे में जानते हैं, इसके दो इनपुट होते हैं 2 और 6। लेकिन अभी मैंने आपको बताया ये मोनो स्टेबल मोड में काम आ रहा है। तो मोनो स्टेबल मोड में हम जानते हैं एक स्टेट स्टेबल रहती है और दूसरी क्यूसी स्टेबल स्टेट है। क्यूसी स्टेबल का मतलब है वो स्टेट अस्टेबल होती है। तो जब 555 टाइमर को स्टेबल स्टेट से अस्टेबल स्टेट में मूव कराना है तो हमको ट्रिगर पल्स देनी पड़ेगी। और ये ट्रिगर पल्स किस पे देते हैं, 2 नंबर पिन पे दी जाती है। पीडब्ल्यूएम सर्किट के अंदर 2 नंबर पिन पे कैरियर सिग्नल दिया जाता है। देखिए अपने पास यहाँ मॉड्यूलेशन के लिए दो सिग्नल होना ज़रूरी है, एक तो हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल जिसकी किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग बदला जाता है, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल कहलाता है कैरियर सिग्नल। और दूसरा हमारा मैसेज सिग्नल होता है जिसका हमें ट्रांसमिशन करना है, मैसेज सिग्नल को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक साइन वेव होती है, उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को 555 की फिफ्थ नंबर पिन पे दिया जाता है, मतलब वो एज ए कंट्रोल सिग्नल यूज आता है। जबकि जो कैरियर सिग्नल है उसको हम 2 नंबर पिन पे देते हैं, क्योंकि 2 पे वैसे भी हमें नेगेटिव गोइंग ट्रिगर पल्स देनी होती है स्टेट चेंज कराने के लिए। तो यहाँ पे नेगेटिव ट्रिगर पल्स की जगह आपने क्या दे दिया, कैरियर पल्स दे दी ताकि 555 ट्रिगर हो सके। ट्रिगर करने का मतलब है कि वो स्टेबल से अस्टेबल में चला जाए, लेकिन अस्टेबल से स्टेबल में वापस आने के लिए इसको कोई पल्स की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटो ट्रांजिट करता है। ऑटो ट्रांजिट मतलब अपने आप ही स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो हमारे पास दोनों सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को तो दिया 5th नंबर पिन पे और कैरियर सिग्नल को दिया 2 नंबर पिन पे, जिसे हम बोलते हैं ट्रिगर इनपुट। द ड्यूटी साइकिल ऑफ द आउटपुट डिपेंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड लेवल विच इज़ इन टर्न डिपेंडेंट ऑन द कंट्रोल सिग्नल दैट इज़ द मैसेज सिग्नल। अब जैसा कि अपन ने इसके फंक्शनल डायग्राम देख चुके हैं मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का, तो उसमें हमने देखा था फंक्शनल डायग्राम में अंदर का हम डिटेल बताते हैं कि कंपेरेटर है, फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, कौन सी पिन पे क्या दे रहे हैं। तो 5th नंबर पिन पे हम कंट्रोल सिग्नल देते हैं और 5th का रेफरेंस वोल्टेज होता है 2/3 VCC। जब हमने मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर पढ़ा था तो हमने देखा था कि 5th का रेफरेंस इनपुट होता है 2/3 VCC। तो जब अपना इसका 6th नंबर जो इनपुट होता है कंपेरेटर का उस पे अगर सिग्नल 2/3 VCC से एक्सीड करते हैं तो इस कंपेरेटर का आउटपुट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो यहाँ पे कंपेरेटर का आउटपुट कब हाई होगा कब लो होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ऑन द कंट्रोल सिग्नल। और कंट्रोल सिग्नल अपना क्या है, मैसेज सिग्नल। 2/3 VCC तो 5th पिन पे मिल ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ क्या ऐड कर दिया आपने, मैसेज सिग्नल ऐड कर दिया। तो मैसेज सिग्नल पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो कंपेरेटर है उसका आउटपुट हाई कब होगा और लो कब होगा, और कंपेरेटर के आउटपुट पे 555 का आउटपुट निर्भर करता है। तो ड्यूटी साइकिल से यहाँ पे मीनिंग ये है कि कितनी देर वो ऑन रहता है, मतलब टोटल टाइम में से कितनी देर वो ऑन होता है। ड्यूटी साइकिल किसका रेशियो था, ड्यूटी साइकिल था ऑन टाइम अपॉन टोटल टाइम का रेशियो ड्यूटी साइकिल कहलाता है। जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज में आ जाता है। तो यहाँ पे ड्यूटी साइकिल किस पे डिपेंड करेगा कि इसका आउटपुट हाई कब मिल रहा है 555 का,
और 555 का आउटपुट किस पे निर्भर करता है, दोनों कंपेरेटर के आउटपुट पे। तो जो पहला कंपेरेटर है उसका आउटपुट अब किस पे डिपेंड कर रहा है, मैसेज सिग्नल पे। इन दिस वे द आउटपुट सिग्नल विड्थ वेरीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट मैसेज सिग्नल विच इज़ PWM सिग्नल। इस तरीके से आउटपुट सिग्नल की जो विड्थ है वो किसके अकॉर्डिंग वेरी करती है, आउटपुट सिग्नल की विड्थ किसके अकॉर्डिंग वेरी करती है, मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। और जो आउटपुट सिग्नल मिला वो कैसा सिग्नल है, PWM सिग्नल। यानी जो विड्थ वेरी कर रही है वो किसके, मैसेज सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार बदल रही है। यानी इसमें सारी इन्फॉर्मेशन किस में होगी, पल्स की विड्थ में, कि पल्स की विड्थ जो है वो हमारी मैसेज को कन्वे करेगी, क्योंकि पल्स का एम्पलीट्यूड तो फिक्स रहा, इसमें पल्स का ड्यूरेशन भी फिक्स रहा, ओनली हम विड्थ चेंज कर रहे हैं। और विड्थ किस पर डिपेंड कर रही है, मैसेज सिग्नल पर। तो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ हुई, पल्स की विड्थ में। अगर हमारा मैसेज सिग्नल की वैल्यू मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम पीक है, तो उस समय पल्सेस की विड्थ भी मैक्सिमम होगी। अगर मैसेज सिग्नल का नेगेटिव पीक आ रहा है तो उस समय पल्स की विड्थ भी क्या होगी, मिनिमम होगी। अब है एप्लीकेशन ऑफ PWM, मतलब 555 जब PWM की तरह यूज़ आता है कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। Thus the major application of PWM is to control the power given to the electrical appliances like motors. जैसा कि अभी हमने पहले भी पढ़ा कि PWM में pulses की width vary करती हैं, तो इसका ये फ़ायदा रहता है कि ये power control में use आता है। तो यहाँ पे जो भी electrical appliances हैं, जैसे motor है, इनकी power को control करने के लिए PWM circuit को काम में लेते हैं। It also finds इट्स एप्लीकेशन इन फील्ड ऑफ रोबोटिक्स फॉर द कंट्रोल ऑफ स्पीड ऑफ मोटर। अब बात वही है कि मोटर की स्पीड कंट्रोल करता है। अब रोबोटिक्स में जो रोबोट बनाते हैं उनमें डिफरेंट मोटर्स लगी होती हैं, तो उन मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए भी PWM को काम में लिया जाता है। इन स्मॉल एप्लीकेशन इट कैन बी यूज टू कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ LED। छोटी एप्लीकेशन इनकी ये हो गई कि जैसे LED की ब्राइटनेस करनी है, कभी LED की ब्राइटनेस बढ़ानी है, कभी कम करनी है, तो उसको कंट्रोल करने में भी PWM सर्किट काम में आता है। बाय चेंजिंग द ड्यूटी साइकिल ऑफ पल्स कैरियर, कैसे करता है ये ब्राइटनेस को कंट्रोल, पल्स जो है, कैरियर पल्स है, उसका ड्यूटी साइकिल चेंज करके। ड्यूटी साइकिल का मैंने मीनिंग बताया कि ऑन पीरियड चेंज करके, उसका ऑन पीरियड चेंज करके उनकी LED की जो ब्राइटनेस है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कंट्रोलिंग द एंगल ऑफ द सर्वो मोटर विच आर यूज इन रोबोटिक्स। सर्वो मोटर के एंगल को भी कंट्रोल करने में इसे यूज़ लिया जाता है। तो ये है PWM की एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वर्किंग, वर्क कैसे करता है। अब PWM सर्किट का ये डायग्राम दिखाया गया है, मतलब ये डायग्राम दिखाया है, ब्लॉक की फॉर्म में दिखा रहे हैं। अभी हम इसका फंक्शनल डायग्राम भी देखेंगे। इसमें ये 555 टाइमर IC का अपन मेन जो इसमें चेंजेस करते हैं वो ये करते हैं कि सेकंड पिन पे ट्रिगर पल्स की जगह अपन क्या लगा देते हैं, कैरियर वेव अप्लाई कर देते हैं। और कैरियर वेव लगाने के लिए अपन ने सर्किट में थोड़ा सा चेंज किया, ये कॉम्पोनेंट एक्स्ट्रा लगाए, C-R- और ये डायोड। अब जो ये सर्किट है C-R-, ये डिफरेंशिएटर की तरह एक्ट करता है। डिफरेंशिएटर की तरह कैसे एक्ट करता है कि ये, अब हमको, हमने हमेशा देखा है कि सेकंड पिन पे नेगेटिव गोइंग ट्रिगर पल्स अप्लाई की जाती है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पार्ट आएंगे, तो पॉजिटिव जो पल्सेज आएंगी वो तो डायोड के थ्रू पास हो जाएगी, यानी डायोड उस समय ऑन हो जाएगा तो वो डायोड के थ्रू पास हो जाएंगी, लेकिन जो नेगेटिव गोइंग पल्सेज है वो सेकेंड पर आएंगी। तो यहाँ सिर्फ क्या है कि नेगेटिव गोइंग पल्सेस को लेना और इन पल्सेस को भी डिफरेंशिएट किया जाता है, यानी डिफरेंशिएटर की तरह ये सर्किट काम में लिया गया है। तो यहाँ पे जो पल्सेस मिलती हैं, जो ये कैरियर वेव है इसको डिफरेंशिएट करके सेकंड पे देते हैं, और सिर्फ नेगेटिव गोइंग पल्सेस यहाँ पे मिलती है, पॉजिटिव गोइंग पल्स डायोड, पॉजिटिव जब आती हैं पल्सेस तो डायोड फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, तो वो डायोड के थ्रू पास हो जाती हैं, और यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव गोइंग पल्सेस का डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे हमें नेगेटिव गोइंग पल्स मिलती है। दूसरा चेंज मोनोस्टेबल में क्या किया हमने कि जो फिफ्थ पिन है, नॉर्मली फिफ्थ पिन को हम एक कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड कर देते हैं ताकि कोई भी नॉइज सिग्नल इसमें ना आए, लेकिन यहाँ क्या किया है, इस कैपेसिटर के थ्रू C-डबल डैश के थ्रू मैसेज सिग्नल यहाँ अप्लाई किया है।
मैसेज सिग्नल को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोल सकते हैं। ये वो सिग्नल है जिसका कि हमें मॉड्यूलेशन करना है और इस सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैरियर की विड्थ को बदला जाएगा, यानी कैरियर की विड्थ चेंज होगी। और जो ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड आउटपुट है, ये हमको किस पिन पर मिलता है? थर्ड पिन पर। बाकी सारा कनेक्शन सेम मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का है। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में हम क्या करते हैं, फोर्थ पिन रीसेट पिन होती है, इसको वीसीसी से कनेक्ट कर देते हैं ताकि फॉल्स रीसेटिंग ना हो। एट्थ पिन पे सप्लाई दी जाती है तो वीसीसी सप्लाई दे दी। सिक्स और सेवन को शॉर्ट करके इन आर और सी के साथ लगा देते हैं और वीसीसी को यहाँ से देते हैं। अब आर और सी की जो वैल्यू है, मतलब कैपेसिटर कैसे चार्ज होता है, कैपेसिटर कब डिस्चार्ज होगा, क्योंकि कैपेसिटर का मेन एम ये है कि जब हमें स्टेट चेंज करनी है तब तो हमें यहाँ पे सिग्नल देना पड़ेगा, कैरियर पल्स देनी पड़ेगी। लेकिन जब ये क्यूसी स्टेट से वापस स्टेबल में आएगा तो वो किस पे डिपेंड करेगा? कैपेसिटर की चार्जिंग पे, यानी क्यूसी से स्टेबल स्टेट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। सेवन्थ हम जानते हैं डिस्चार्ज पिन होती है। सिक्स जो होता है वो थ्रेशोल्ड इनपुट होता है और सेकेंड होता है अपना ट्रिगर इनपुट। और फिफ्थ पे कंट्रोल वोल्टेज देते हैं, कंट्रोल वोल्टेज के 2/3 VCC होते हैं और यहाँ पे 2/3 VCC के साथ मैसेज सिग्नल भी हमने ऐड किया है और वन पिन हमने यहाँ पे क्या करी, ग्राउंड करी। तो ये तो इसका हुआ पिन आउट डायग्राम। अब हम इसका फंक्शनल डायग्राम देखते हैं। ये PWM का फंक्शनल डायग्राम शो किया है। अब जैसा कि हमको पता है 555 के फंक्शनल डायग्राम में क्या क्या होते हैं, दो कंपैरेटर होते हैं, फ्लिप फ्लॉप होता है, डिस्चार्जिंग ट्रांजिस्टर होता है, एक रीसेट ट्रांजिस्टर भी होता है जो शो नहीं किया है क्योंकि रीसेट टर्मिनल को हमने फोर्थ पिन को वीसीसी से कनेक्ट कर दिया था, अभी पहले वाले डायग्राम में मैंने बताया, ताकि फॉल्स ट्रिगरिंग ना हो। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जैसा कि ये एक रजिस्टिव नेटवर्क होता है, तीन इक्वल वैल्यू के रजिस्टेंस होते हैं जिनको हमने R1 से इंडिकेट किया है। अब यहाँ पे वीसीसी सप्लाई दी तो अब हर रेजिस्टेंस पे इक्वल वोल्टेज ड्रॉप होंगे, यानी इस पे भी VCC/3 होंगे, इस पे भी VCC/3 होंगे और इस पे भी VCC/3 वोल्टेज ड्रॉप होंगे। यहाँ फिफ्थ पिन कनेक्ट कर दी। अब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फिफ्थ पिन पे अगर हम वोल्टेज देखें तो ये VCC/3 और ये VCC/3, तो यहाँ फिफ्थ पिन का रेफरेंस वोल्टेज हो गया 2/3 VCC, जो कि हर केस में, मतलब अपन ने कोई भी एप्लीकेशन पढ़ी हुई हो उसमें फिफ्थ पिन पे हमेशा रेफरेंस वोल्टेज होता है 2/3 VCC। अब इस कंपेरेटर की इस पिन को यहाँ कनेक्ट करते हैं, मतलब यहाँ से ग्राउंड के वोल्टेज कितने हो गए, VCC/3 या 1/3 VCC, तो इस पॉइंट का रेफरेंस वोल्टेज हो गया 1/3 VCC। अब ये पूरा सर्किट एज इट इज़ है, बस क्या चेंजेस किए कि फिफ्थ पिन का रेफरेंस 2/3 VCC तो रहने ही दिया, साथ में मैसेज सिग्नल को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। मैसेज सिग्नल कैसा होगा, साइनोसोडियल सिग्नल होगा। इस सिग्नल को हमें क्या करना है, मॉड्यूलेट करना है, तो इसे हमने फिफ्थ पिन पे दिया। अब ये दो कंपेरेटर हैं, इस कंपेरेटर सेकंड जो पिन होती है उस पर हम ट्रिगर इनपुट देते हैं, तो ट्रिगर इनपुट देने के लिए सेकंड पिन को एक कैपेसिटर के थ्रू कैरियर वेव से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये अपनी जो कैरियर वेव आएगी, इसका पॉजिटिव जो पल्सेस है वो तो डायोड के थ्रू पास हो जाएगी और नेगेटिव पल्सेस ट्रिगर पिन पे अप्लाई होगी और जो पल्सेस होंगी वो डिफरेंशिएट होके, डिफरेंशिएटर इसको डिफरेंशिएट करके देगा। R-C- एक डिफरेंशिएटर सर्किट फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल गई नेगेटिव गोइंग पल्सेस, तो फिर जैसे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की वर्किंग थी सेम ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, इसका रेफरेंस वोल्टेज चेंज हो जाएगा, जो 2/3 VCC है उसके साथ ये मैसेज सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी ऐड हो जाएगी और इसके अकॉर्डिंग हमारा 6 पिन के वोल्टेज क्या करेंगे, वेरी करेंगे। मतलब किस, वैसे तो हमने देखा था अगर 6 पिन के वोल्टेज 2/3 VCC से बढ़ते हैं तो ये वाला आउटपुट क्या हो जाता है, इस वाले कंपेरेटर का आउटपुट हाई हो जाता है, यानी S1 हो जाएगा और R इस समय 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पे केवल 2/3 VCC नहीं, इस मैसेज सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर भी ये निर्भर करता है। अब इस सर्किट की हम वर्किंग देखते हैं कि इस सर्किट में जब कोई भी ट्रिगर पल्स हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे, कोई भी ट्रिगर पल्स नहीं है, तो आपको पता है कि ये स्टेबल स्टेट में रहता है। स्टेबल स्टेट में हम ये मान लेते हैं कि इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है, 0 है। और जो ये क्यू आउटपुट वोल्टेज 0 कब होंगे, जब क्यू बार 0 होगा, और क्यू बार 0 है तो क्यू क्या है, 1 है। क्यू 1 है तो ये डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर हमारा ऑन है, डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर ऑन होने से इसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया और कैपेसिटर इसके थ्रू क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। तो कैपेसिटर के अक्रॉस इस समय वोल्टेज क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। अब जो ये स्टेट है ये स्टेबल रहेगी,
कौन सी वाली स्टेट, जब आउटपुट वोल्टेज हमारे को लो मिल रहा है। अब अगर हमें स्टेट चेंज करानी है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे सेकंड पिन पे नेगेटिव गोइंग ट्रिगर पल्स देंगे। तो जब भी ट्रिगर पल्स मिलेगी ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा। ट्रिगर पल्स देने से क्या हुआ कि ट्रिगर पल्स जो नेगेटिव गोइंग ट्रिगर पल्स है उसकी वैल्यू VCC बाय 3 से कम हुई, क्योंकि इसका रेफरेंस क्या है, VCC बाय 3। तो जैसे ही ट्रिगर पल्स की वैल्यू VCC बाय 3 से कम हुई, R की वैल्यू 1 हो जाएगी। R की वैल्यू 1 हो गई, S 0 है, तो S 0 और R 1 हो गया, तो अपना Q क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और Q बार हमारा 1 हो जाएगा, यानी आउटपुट हमारा लो टू हाई चला गया। अब यहाँ पे अगर Q की वैल्यू 0 हुई तो डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर के बेस पे वोल्टेज ही नहीं मिले, तो डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने पे कैपेसिटर किसके थ्रू, कोई डिस्चार्जिंग नहीं होगी, ये हाई इंपीडेंस स्टेट में आ जाएगा। अब कैपेसिटर VCC और R के थ्रू इसकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी, R के थ्रू VCC वोल्टेज इसको चार्ज करने की कोशिश करेगा। अब कैपेसिटर चार्ज होता गया और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इस फिफ्थ पिन के इंस्टेंटेनियस वैल्यू से एक्सीड करेंगे, तो इसका आउटपुट हाई होगा। अब मैं ये नहीं बोल रही कि कैपेसिटर के वोल्टेज 2/3 VCC से एक्सीड करेंगे, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के वोल्टेज किस पे निर्भर कर रहे हैं, 2/3 VCC प्लस मैसेज सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, यानी मैसेज सिग्नल का तात्क्षणिक मान पर भी निर्भर कर रहे हैं। तो जो भी वैल्यू है उस समय, मैसेज सिग्नल प्लस रेफरेंस 2/3 VCC, उसके से अगर ये वैल्यू एक्सीड करती है सिक्स पिन पे, तो इस कंपेरेटर का आउटपुट हाई जाएगा। तो जब S1 हो गया, अब यहाँ पे R0 हो गया, क्योंकि पल्सेस हमेशा शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, तो पल्स थोड़ी देर ही रहती है, तो एक बार इसने इसकी ट्रिगरिंग कर दी, उसके बाद R0 हो गया और S हमारा 1 हो गया। S1 होते ही हमारा Q क्या हो गया, 1 हो गया, और Q बार हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब Q 1 है, Q बार 0 है, तो वापस इसके 1 होते ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। तो कैपेसिटर जितने वोल्टेज से चार्ज हुआ था इसके थ्रू क्या हुआ, डिस्चार्ज हो गया। अब इस समय V आउटपुट हमारा लो हो गया, V आउटपुट क्या बन गया, 0 हो गया। तो ये हमारी स्टेबल स्टेट है जिसमें आउटपुट लो मिले। हमने जब स्टेट चेंज करानी थी तो सेकंड पे हमने क्या दी थी, ट्रिगर पल्स, यानी जब भी ट्रिगर पल्स दोगे इसका आउटपुट अपनी स्टेट चेंज करेगा। अब जो आउटपुट में पल्सेस है उनकी विड्थ किसके अकॉर्डिंग वेरी, अकॉर्डिंग टू दिस। अगर पल्स का विड्थ अगर कम है तो यहाँ के रेफरेंस वोल्टेज कम होंगे, तो कैपेसिटर के वोल्टेज थोड़े ही बढ़ेंगे, तो इसका आउटपुट हाई हो जाएगा। अगर मतलब इस मैसेज सिग्नल की वैल्यू कम है तो पल्सेस की विड्थ क्या मिली, कम मिली। लेकिन अगर लेकिन अपन माने कि अगर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो यहाँ का रेफरेंस वोल्टेज ज़्यादा हो गया, तो कैपेसिटर जब ज़्यादा वोल्टेज से चार्ज होगा तब ये स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा। एस पे जो सिग्नल आ रहा है यही तो स्टेट चेंज करा रहा है, हमने ट्रिगर पल्स देके तो क्या कर दिया था, इसको QC स्टेबल में भेज दिया था। लेकिन ये QC स्टेबल स्टेट में कब तक रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटर वोल्टेज, और इट डिपेंड्स ऑन द इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फिफ्थ पिन वोल्टेज। फिफ्थ पिन के वोल्टेज किस पर डिपेंड करते हैं, मैसेज सिग्नल पर या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पर। तो इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट हाई और लो होगा, यानी पल्स की विड्थ जो है वो मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पर निर्भर कर रही है। तो ये इस सर्किट की वर्किंग है। अब हम इसका पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ। दिस मैथड रिक्वायर्स ए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑन पिन 5 ऑफ द IC विच इज एक्ट एज कंट्रोल सिग्नल, एंड एट पिन 2 वी अप्लाई कैरियर सिग्नल विच एक्ट एज ट्रिगर पल्स। ये चीज़ हम अभी डायग्राम में देख चुके हैं कि फिफ्थ पिन पे तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अप्लाई करते हैं और पिन 2 पर ट्रिगर पल्स के लिए कैरियर अप्लाई करते हैं, कैरियर सिग्नल अप्लाई करते हैं। इन मोनोस्टेबल मोड द IC इज एबल टू जनरेट ए पॉजिटिव पल्स एट पिन 3 इन रिस्पॉन्स टू एवरी सिंगल नेगेटिव ट्रिगर एट पिन 2। यानी मोनोस्टेबल IC, जब हमने ये सर्किट डिज़ाइन किया तो जब भी हम पिन 2 पर नेगेटिव गोइंग ट्रिगर पल्स देंगे, यहाँ पे हम कैरियर सिग्नल दे रहे हैं नेगेटिव गोइंग पल्स के रूप में, तो ये IC क्या करेगी, पल्स जनरेट करेगी, कहाँ पे, पिन 3 पे, क्योंकि इस IC का आउटपुट हमेशा किस पे लेते हैं, पिन 3 पर। इन दिस मोड द आउटपुट इज लो व्हेन देयर इज नो ट्रिगर पल्स। हमने स्टार्टिंग में यही अज्यूम किया था कि जो हमारी स्टेबल स्टेट है वो क्या थी, कि आउटपुट हमारा लो है और इस समय हम सेकेंड पिन पे कोई भी ट्रिगर पल्स नहीं दे रहे। व्हेन इट इज ट्रिगर्ड बाय अ सेकेंड पिन द आउटपुट गोज हाई फॉर सम टाइम। अब मैंने आपको बताया अगर हमको स्टेट चेंज करानी है, स्टेबल टू QC स्टेबल में जाना है, तो सेकेंड पिन पे अपने को ट्रिगर पल्स देनी पड़ेगी, और वो सेकेंड पिन पे जैसे ही ट्रिगर पल्स दी तो आउटपुट हमारा लो से क्या चला गया, हाई हो गया।
अब यहाँ लो की वैल्यू, लो का मतलब है ज़ीरो और हाई का मतलब है VCC, तो लेकिन हम यहाँ पे डिजिटल में लो और हाई लेके चल रहे हैं। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई होगी कि कैसे इसने चेंज किया, मैंने भी आपको पूरे सर्किट में इसको एक्सप्लेन किया है। दिस टाइम पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन टी इज इक्वल टू 1.1 RC। पता, जो ये टाइम लगा इसको वापस QC से स्टेबल स्टेट में आने में, वो है 1.1 RC। ट्रिगर इज अप्लाइड वाया ए डिफरेंशिएटर सर्किट टू मेक शार्प पल्सेस। हमने इस सर्किट में, मैंने आपको बताया था कि एक डिफरेंशिएटर सर्किट C-R- एक डिफरेंशिएटर सर्किट फॉर्म करता है, वो लगाया ताकि क्या हो सके, ताकि शार्प पल्सेस क्रिएट हो सके। ठीक है, शार्प पल्स में बदलने के लिए डिफरेंशिएटर सर्किट काम में लिया। द रजिस्टर ऑफ डिफरेंशिएटर इज कनेक्टेड टू VCC टू जनरेट नेगेटिव ट्रिगर पल्स एंड डायोड अवॉइड्स पॉजिटिव स्पाइक्स। ये भी अभी बताया कि डायोड लगाने से क्या होता है, डायोड पॉजिटिव स्पाइक को पास कर देता है और सिर्फ नेगेटिव स्पाइक की सेकेंड टर्मिनल पे अप्लाई होती है, क्योंकि सेकेंड पे ट्रिगर पल्स हमेशा कैसी दी जाती है, नेगेटिव गोइंग दी जाती है। एंड नाउ दिस आउटपुट इज मॉडुलेटेड यूजिंग द इनपुट वोल्टेज अप्लाइड टू कंट्रोल पिन ऑफ द IC। यानी हमने क्या किया, कंट्रोल पिन पे जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लगाया उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग इन पल्सेस को क्या किया, मॉड्यूलेट किया और आउटपुट में PWM प्रोड्यूस हुआ। सो वेन एवर द ट्रिगर पिन पल्स बिकम्स लो द आउटपुट ऑफ द IC स्विचेस टू हाई। यानी ट्रिगर पिन पे जब भी हम पल्स लगाएंगे नेगेटिव गोइंग, यानी उसकी लो लगाएंगे सिग्नल, तो इस IC का आउटपुट हाई होगा, क्योंकि हमने देखा था स्टेबल स्टेट में आउटपुट हमारा लो मिल रहा है और जब भी हम ट्रिगर पल्स देंगे तो हमारा आउटपुट हाई हो जाएगा। तो हर ट्रिगर पल्स के लिए इस IC का आउटपुट हाई मिलेगा एंड एज ए रिजल्ट द डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर इज डिसेबल्ड। और इस समय डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर डिसेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर डिसेबल, हमने यहाँ देखा था कि जब ये आउटपुट हाई हो गया तो ये Q0 हो गया और Q0 इसके बेस पे दिया तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो गया, डिसेबल हो गया। इसलिए हमने बोला जब भी हमारा आउटपुट हाई होगा डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर डिसेबल हो जाएगा। सो सी चार्जेस थ्रू आर। जब डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर डिसेबल हो जाएगा तो कैपेसिटर आर के थ्रू चार्ज होगा। दिस कैपेसिटर कीप्स ऑन चार्जिंग अंटिल द वोल्टेज इज अबव द इनपुट कंट्रोल वोल्टेज एट विच द IC चेंजेस इट्स स्टेट। अभी हमने देखा कैपेसिटर पे वोल्टेज किसके बराबर होने चाहिए, कंट्रोल पिन पे जो वोल्टेज है जब उससे एक्सीड करेंगे तभी इस वाले कंपेरेटर का आउटपुट हाई होगा और IC अपनी स्टेट को चेंज करेगा। नाउ द आउटपुट इज लो। अब स्टेट चेंज हो गई, क्या हुआ, आउटपुट हाई से लो हो गया, विच मेक्स द डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर एक्टिवेटेड देयर बाय डिस्चार्जिंग द कैपेसिटर C2। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इस डायग्राम में ये कैपेसिटर जो है, ये कैपेसिटर क्या होगा, जब ये हाई हुआ तब कैपेसिटर इसके थ्रू क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज होने लगेगा। तो कैपेसिटर इसके हाई होते ही इसके थ्रू डिस्चार्ज होने लगता है, लेकिन जब ये ऑफ होता है तो कैपेसिटर की इसके थ्रू चार्जिंग शुरू हो जाती है। हेंस द आउटपुट पल्स विड्थ इज डिटरमाइंड बाय द कंट्रोल वोल्टेज। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आउटपुट पल्स की विड्थ है वो किस पे निर्भर कर रही है, कंट्रोल वोल्टेज पर, और कंट्रोल वोल्टेज किस पे निर्भर कर रहा है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पर। फॉर रिड्यूसिंग द RMS वैल्यू वी जस्ट नीड टू लोअर द वोल्टेज एट पिन 5। अब अगर हमें सिग्नल की RMS वैल्यू को कम करना है या RMS वैल्यू कम है तो पिन 5 पे वोल्टेज कम कर देंगे। इफ़ वी वेरी इट द रिजल्टेंट विल बी ए वेरिंग PWM विथ वेरिंग RMS वैल्यू। भाई यहाँ हमको क्लियर हो गया होगा अब कि कैरियर की जो पल्स की विड्थ है वो वेरी करती है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग। अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की RMS वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, उसकी भी RMS वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम इफ़ वी वेरी इट द रिजल्टेंट विड बी वेरिंग PWM, तो हम इस RMS वैल्यू पिन 5 पे सिग्नल की वेरी करते हैं तो PWM की भी RMS वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी। तो ये पूरी इसकी वर्किंग है। अब ये PWM की वेवफॉर्म शो की है, ये हमारा मैसेज सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, ये हमारा कैरियर सिग्नल है। कैरियर अपने को पता है हाई फ्रिक्वेंसी का सिग्नल होता है और ये मैसेज सिग्नल होता है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है। जब इसका इसके थ्रू मॉड्यूलेशन होता है तो आप देखोगे
कि ये तो होती है इसकी लीडिंग एज, ये होती है ट्रेलिंग। मतलब देखो जब 0 to 1 हो रहा है ये तो लीडिंग एज हुई, जब 1 to 0 हो रहा है ये होती है ट्रेलिंग एज। तो आपको मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि लीडिंग एज तो फिक्स रहती है पीडब्ल्यूएम में, सिर्फ ट्रेलिंग एज वेरी करती है। अब इस इंस्टेंट पे इस पल्स के लिए देखें हम तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है मैसेज सिग्नल का, तो पल्स की विड्थ भी ज़्यादा है। इस समय एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है मैसेज सिग्नल का, तो इस समय जो ये पल्स मिल रही है इसका भी विड्थ मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आता जाएगा पल्स की विड्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब नेगेटिव पीक आता है तो ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती है सिग्नल की, तो इस समय अपन देख रहे हैं कि पल्स की विड्थ क्या है, मिनिमम है। तो जो ये लीडिंग एज है ये तो फिक्स रखी है हमने, बस जो ये ट्रेलिंग एज है इसको वेरी कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। तो ये हमको इस डायग्राम से भी क्लियर हो गया होगा कि कैसा पीडब्ल्यूएम आउटपुट में हमें मिलता है। तो यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया जो टॉप मोस्ट वेवफॉर्म है वो रिप्रेजेंट द मॉड्यूलेशन वोल्टेज एट पिन 5। मैसेज सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, मैसेज सिग्नल को हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। तो पिन 5 पे हमको ये सिग्नल मिल रहा है। सेकेंड वेव फॉर्म रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म क्लॉक पल्सेस। सेकेंड हमको पता है कैरियर वेव है, जो यूनिफॉर्म पल्सेस है जो कि हम पिन 2 पे दे रहे हैं। इट इज़ जस्ट फॉर इनेबलिंग द आईसी टू स्विच एट ए सर्टेन फ्रिक्वेंसी विदाउट विच द आईसी वुडंट बी एबल टू वर्क एज पीडब्ल्यूएम जनरेटर डिवाइस। भाई सीधी सी बात है, जब अगर हमें मॉड्यूलेशन करना है तो हमें दो सिग्नल चाहिए, एक तो कैरियर चाहिए और दूसरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चाहिए। और जो अपन ने कैरियर पल्स दी इसका पर्पस क्या है, पीडब्ल्यूएम को स्टेट चेंज कराना। अगर ये पल्सेस नहीं होगी तो पीडब्ल्यूएम की स्टेट चेंज नहीं होगी, लो टू हाई नहीं जाएगा, यानी स्टेबल टू क्यूसी स्टेबल नहीं जाएगा। उसमें करने के लिए स्टेबल टू क्यूसी में जाने के लिए इसको क्या चाहिए, ट्रिगर पल्स चाहिए। तो ये काम कौन करता है, कैरियर करती है। थर्ड वेव फॉर्म डेपिक्ट्स द एक्चुअल पीडब्ल्यूएम जनरेशन एट पिन 3। थर्ड जो वेव फॉर्म थी वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड था। वी कैन सी डेट द विड्थ ऑफ पल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉप ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि पल्स की विड्थ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर निर्भर करती है, कि अगर उसका तात्क्षणिक मान ज़्यादा है तो पल्स की विड्थ ज़्यादा होगी, और तात्क्षणिक मान कम है तो पल्स की विड्थ कम होगी। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि पीडब्ल्यूएम का सर्किट डायग्राम देखा, यानी फंक्शनल डायग्राम देखा, उसका पिनआउट डायग्राम देखा, उसकी वर्किंग समझी, तथा ये देखा कि उसकी एप्लीकेशन क्या है और डिफरेंट पॉइंट पे क्या क्या वेवफॉर्म होती है। थैंक यू।